22 जनवरी 2024 वो दिन जब अयोध्या में रामलला विराजेंगे। इसके दो दिन बाद भक्तों के लिए भी मंदिर के पट खुल जाएंगे। मंदिर ट्रस्ट का अंदाजा है कि 22 जनवरी के बाद हर दिन करीब 2,00,000 लोग दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचेंगे। वाल्मीकि एयरपोर्ट आप देख सकते हैं कि इस पूरे एयरपोर्ट को रामायण के थीम पर डिजाइन किया गया है। इस एयरपोर्ट में फिलहाल इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस की सर्विसेज हैं। कंपनियों ने अयोध्या से अलग अलग शहरों के लिए शेड्यूल जारी कर दिए हैं, तो वहीं इन फ्लाइट्स ने यात्रा आसान कर दी है। जी बहुत ज्यादा आसान हो गया। पहले हम लोगों की ट्रेवलिंग क्या रहता था कि पहले हम उसी एयरपोर्ट रहता था, अब वो बहुत ज्यादा उसका डिस्टेंस भी दूर था और इधर नियर बाई हो गया है, इधर से हम लोगों को बहुत ज्यादा आराम। अहमदाबाद के लिए सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को फ्लाइट्स मिलेंगी। 15 जनवरी से अयोध्या और मुंबई के बीच फ्लाइट शुरू हो जाएंगी। 17 जनवरी से अयोध्या से कोलकाता और बेंगलुरु के बीच कमर्शियल फ्लाइट शुरू होंगी। एयरपोर्ट राम जन्मभूमि से 10 किलोमीटर दूर है। यहां से राम मंदिर पहुंचने में करीब आधे घंटे का वक्त लगता है। एयरपोर्ट से जन्मभूमि पहुंचने के लिए ऑटो का किराया 100 रुपए और ई रिक्शा का 50 रुपए है। अयोध्या को एयरपोर्ट से सीधे जोड़ने के लिए फ्लाईओवर भी बनाया जा रहा है। पैसेंजर्स के लिए एयरपोर्ट पर VIP लाउंज और वेटिंग एरिया, 9 चेक इन काउंटर, 3 कन्वेयर बेल्ट और टर्मिनल एरिया में दिव्यांगों के लिए अलग रैंप है। सिर्फ एयरलाइन ही नहीं बल्कि भारतीय रेलवे ने भी इस मौके के लिए खास तैयारी कर रखी है। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां से 2 अमृत भारत एक्सप्रेस और 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दी। भारत के हर कोने से अयोध्या के लिए आने की सुविधा हो, इस तरह की रेलवे की तैयारी है। यहाँ पे रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है और इतने सारे लोगों को हैंडल करने के लिए भी हम एडिशनल प्लेटफॉर्म भी बढ़ा रहे हैं। रेलवे मंदिर उद्घाटन के अगले 100 दिन तक यहां से 1,000 ट्रेन चलाने की तैयारी कर रहा है। अयोध्या धाम जंक्शन में भी रीडेवलपमेंट कार्य किया जा रहा है जिसका बजट 240 करोड़ रुपए है। यात्रियों के लिए फूड प्लाजा, वेटिंग एरिया, लेडीज जेंट्स डॉर्मेट्री, AC रिटायरिंग रूम और इन्फेंट केयर रूम की व्यवस्था भी होगी। अभी अयोध्या स्टेशन में 116 बसें हैं जिनमें से 4 AC बसें हैं जो कि दिल्ली, प्रयागराज, आजमगढ़ और UP के अन्य अन्य जिलों में जाती। इसके लिए यहाँ 2 बस स्टॉप हैं। अगर आप दिल्ली, लखनऊ या वाराणसी से अयोध्या जाना चाहते हैं तो रूट मैप कुछ इस तरह है। दिल्ली से अयोध्या की दूरी 648 किलोमीटर है। यहाँ से अयोध्या राम मंदिर के लिए 2 रास्ते हैं। पहला, यमुना एक्सप्रेसवे से मथुरा, आगरा, लखनऊ होते हुए 10 घंटे में अयोध्या पहुंचा जा सकता है। दूसरा, दिल्ली से गढ़मुक्तेश्वर और बरेली होते हुए 11.5 घंटे में अयोध्या पहुंचा जा सकता है। इस रूट पर आपको NH9, NH530 और NH27 से होकर आना पड़ेगा। वाराणसी से अयोध्या की दूरी 219 किलोमीटर है। यहां से अयोध्या आने के 2 रास्ते हैं। पहला, वाराणसी से प्रयागराज होकर 5 घंटे में अयोध्या पहुंचा जा सकता है। दूसरा, वाराणसी से गाजीपुर, फिर पूर्वांचल एक्सप्रेस से सुल्तानपुर होकर अयोध्या जा सकते हैं। इस रूट से अयोध्या पहुंचने में 4.5 घंटे का वक्त लगेगा। लखनऊ से अयोध्या 139 किलोमीटर दूर है। यहां से लखनऊ अयोध्या हाईवे के जरिए राम मंदिर जाया जा सकता है। इसमें 2 घंटे का वक्त लगेगा। अयोध्या जाकर भगवान राम तक पहुंचने के लिए 3 खास पथ बनाए गए हैं, राम पथ, भक्ति पथ और जन्मभूमि पथ। लखनऊ अयोध्या नेशनल हाईवे से आने पर राम पथ से सीधा राम जन्मभूमि मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। भक्ति पथ श्रद्धालुओं को हनुमानगढ़ी तिराहे से होकर राम जन्मभूमि ले जाएगा। इस पथ से भक्त हनुमानगढ़ी, कनक भवन और दशरथ महल भी जा सकते हैं। जन्मभूमि पथ बिरला धर्मशाला से शुरू होकर राम जन्मभूमि परिसर तक जाता है। शहर में सिटी बस भी चलाई जा रही है ताकि श्रद्धालुओं को राम जन्मभूमि तक पहुँचने में कोई परेशानी न हो।